मेरे प्यारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी मैं हूँ अपनी नानी के यहाँ पे और आज है 10 अप्रैल और आज मेरे मौसा जी आ रहे हैं दुबई से। तो कल थी 9 अप्रैल, मैं 9 अप्रैल को आई थी यहाँ। नब्बू का बर्थडे था तो वैसे पूजा तो सब हो गई थी, पर नब्बू का ये था कि पापा आ रहे हैं आज तो बर्थडे सेलिब्रेट आज ही करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट मौसा जी को लेने। शानी ने कैब बुक करवाई है, हम अब कैब भी यहीं पर ही है। और यह है नब्बू, अपने डैडी को लेने जा रहा है। आर यू एक्साइटेड? हाँ, अभी बस कैब आ गई है। हम कैब मामा, मैं और नब्बू जा रहे। चल आ जा। पनगिरी फ्लाइट। डिले हो गई फिर तो टाइम और लगेगा। लो आप यहीं वेट कर लो, मैं पार्किंग में लाता हूँ गाड़ी। हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और अभी हम मौसा का वेट कर रहे हैं। क्यों लगाओ बड़बड़? और मौसा की फ्लाइट 9:55 पे लैंड कर गई होगी और लगेज में टाइम लगेगा, अगर लगेगा भी। तो हमने जो कैब थी वो पार्किंग के लिए, वो पार्किंग में, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। देखते हैं कब तक आते हैं मौसा जी। अभी टाइम हो रहा है 10:06। अब क्यों नहीं बोल रहा? क्या तूने तो बोलता कंटेंट देगा। क्या कंटेंट? अब बोल, इंतज़ार है तुम्हें? नहीं, चल यार, नब्बू तो किसी काम का नहीं है। अभी 3 साल हो गए होंगे ना मौसा को गए हुए। हाँ, नब्बू को बोल रही, नब्बू गमले चुरा के ले जाए यहाँ से। और नब्बू बोल रहा ले जा लेगी, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं आप, चोर हैं। मैं चोर हूँ भाई, इसमें चोर। तू भी गया ना फ्लाइट में, मज़ा आया तुझे? अपना एक्सपीरियंस बता दे दर्शकों को। अबे कहाँ से बताऊँगा, वहाँ पे आई नहीं मेरे को वो सीट ही नहीं मिली। कौन सी विंडो वाली? विंडो वाली आई, वहाँ पे बैठ रहे एक बच्चे और। बच्चे को हटाए ना तूने? बच्चे को आंटी बैठ रही की माँ रोज आए तो ये नब्बू अच्छा काम कुछ नहीं करता है। इसकी मम्मी ने इसे घर से बोला है कि अपने पापा के ना पाँव छुई हो, तो मैं देखती हूँ कैसे पाँव छूता है। मौसा जी आ गए हैं। माता जी प्रणाम, कैसे आओ? गंगाधर बना रहता जब। मौसा जी आ गए हैं, हमने सोचा था बहुत टाइम लगेगा। नहीं, अरे इन्होंने बोला बहुत टाइम लग जाएगा कि 30-40 मिनट तो लग ही जाएंगे कि वेट करते नहीं, अंदर से बस निकला। हाँ, बस में बिठाया, इधर छोड़ा, लगेज में टाइम लग जाएगा, 5-7 मिनट लगे। हाँ लगे 5-7 मिनट। अब हम जा रहे घर। गाइस बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं कल बहुत जल्दी सो गई थी, मतलब 10:30 बजे। हाँ जी, क्या आज नहीं जाना? आज क्यों नहीं जाना, आज ही तो जाना है। क्यों मुझे घर जाने नहीं दे रहे? अरे गाड़ी नहीं मिलेगी भाई कल। मैं अपना छोड़ूंगी, मैं तुझे कहाँ? मैं अपना तो छोड़ो, मेरे घर जाके कहाँ? 93 कल नहीं, मेरे नब्बू से बात हो गई है। आज नहीं जाना, नहीं आज ही जाना है। रात को अबे उल्लू टीरी जाना है मुझे। रात को कहाँ से जाऊंगी, देख रहे हो उनको? रात को जाना है, कोई बेबी कोई बात है? कहती स्लीपिंग बस नहीं होती ना ब्रो, तो ना छी, देख रहे हो उनको? तो मैं 10 बजे कल, मैं 10:30 बजे करीबन सो गई थी और मैं सुबह 3 या 3:30 बजे खड़ी हो गई थी। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। फिर कुछ टाइम बाद सानिया का मैसेज आ गया, फिर मैं उससे चैट करने लग गई। हाँ जी गाइस, वेट, मौसा जी बुला रही। हाँ तो मैं कहाँ थी अब याद भी नहीं है, जहाँ भी थी। तो गाइस मैं यही बोल रही थी कि मैं जब यहाँ आई थी कल, तो मेरे प्लान के हिसाब से, मतलब मेरी प्लानिंग ये थी कि मेरे को कल यहीं रुकना है 9 को और 10 को मेरे को जाना है टिहरी। और मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं मौसा जी को लेने जाऊँगी एयरपोर्ट वगैरह। तो अब बज गई है 2, मतलब बजने वाली है, और अब मुझे जाना है टिहरी।
और ये बोल रहे हैं नहीं जाना नहीं जाना, अभी नहीं बोल रहा पता नहीं कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का पता नहीं, इसलिए ना प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे प्लान करो ना वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या ही फायदा प्लानिंग करके क्यों। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, मैं टीरी जाती हूँ या यहीं रहती हूँ, सोचते हैं विचार करते हैं इस बारे में। ओके दोस्तों तो स्टे ट्यून्ड। नहीं गई मैं टीरी तब, और तब क्या ही बोलना, तब सोती हूँ मैं, अब देखो तब क्या होता है, अब जा पाती हूँ मैं टीरी की नहीं जा पाती हूँ, थोड़ा सा मन तो था मेरा ना घर जाने का, पर चलो कोई नहीं, क्या पता मम्मी लोग ही आ जाए। आई मिस टीरी टीरी आई मिस यू टीरी, अच्छा लगता है मुझको, आई लव टीरी, पागल हो गई मैं। तो चलो गाइस खाना खाती हूँ, फिर थोड़ा सा सोती हूँ, और फिर मिलेंगे शाम को पार्टी में। ओके बाय।